हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर। यहाँ पे मैं अभी कॉटन की फैक्ट्री में हूँ और यहाँ पे बांग्लादेश के लिए कॉटन का जो कंटेनर है लोड हो रहा है। आप देख सकते हो ये गोडाउन है और यहाँ पे आप देख सकते हो कॉटन की जो बेल्स है, जो कॉटन की जो बेल्स है यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी। तो यहाँ पे जो बेल्स है सारी, यहाँ पे कंटेनर जो बाहर है मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कंटेनर में लोड हो रही है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो कंटेनर लोड हो रहा है और यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है ट्रैक्टर जैसा, उसको बोलते हैं लोडर। तो यहाँ बेल से इसका वेट यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, तो उसको ऊंचा करने के लिए, मतलब उसको जो कंटेनर में रखने के लिए यहाँ पे लोडर का यूज किया जाता है। तो आपको मैं बताता हूँ ये लोग कैसे स्टफिंग करते हैं। इसका जो आपको लगता है कॉटन बहुत हल्का होता है, बट अगर आप ये बेल्स लाइक पत्थर जैसी होती है, अगर आप इसको टच करोगे तो ये जो बेल्स है पत्थर जैसी होती है। आपको मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये ज्यादा लाइक मतलब पत्थर जैसी मजबूत हो जाती है, प्रैक्टिकल चीज है। तो यहाँ पे ये लोग जो है उसको स्टफिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हो प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे कंटर भरते, मैं कंटर के अंदर ऑलरेडी आ चुका हूँ। आप देख सकते हो ये लोग कैसे भरते, 170 किलो आती है, आप देख सकते हो कैसे लोड करते हैं। ये देखिए कितना ऑटोमेटिक काम हो जाता है, इसको देखो उठा रहे लोग और उठा के अंदर रख देंगे। किलो 170 केजी आप देख सकते हो इसको। तो इस हिसाब से पूरा कंटेनर जो है स्टफ किया जाता है बेल्स का। ये 40 फीट कंटेनर है, आप देख सकते हो इतना पूरा भर चुका है, आप देख सकते हो, और नीचे का पूरा भर चुका है और ऊपर का ये लोग भर रहे हैं अभी, आप देख सकते हैं। देखिए इसमें दूर रहना पड़ता है। देखो इसने पूरा जो गठन है यहाँ पे डाल दिया, तीन गठन डाल दी, पहले भी तीन गठन डाली थी। अब ये जो लोग है इसको अंदर ले लेंगे, आप देख सकते हो ये जो लोग है अंदर ले लेंगे और इसको अच्छी तरह से स्टफ कर देंगे। देखो उसका तो आप देख सकते हो, उसको उठाने के लिए भी उसके पास ये कुछ उसका हथियार है, आप देख सकते हो। सीधा कर लो और कंटर में देखिए, कंटर में यहाँ पे हुक आते हैं अंदर की साइड, कंटर में जो है हुक आते हैं यहाँ पे। अगर आपको कोई बेल्ट वगैरह लगाना है, बेल्ट वगैरह लगाना है तो लगा सकते हो, क्योंकि जैसे कि आधा कंटर आपका भर चुका है और आधा खाली है, थोड़ा खाली है, ऐसा लगता है कि गिर जाएगी चीजें, तो यहाँ इसको बेल्ट से आप बांध सकते हो। देखो यहाँ पे प्रैक्टिकली जो है यहाँ पे बेल्ट यहाँ से, जैसे कि प्रैक्टिकल बताओ आपको, यहाँ पे ये है इधर से इधर करके उसको पूरा इधर से इधर, पूरा बेल्ट से इधर से इधर, मतलब इस साइड पे बांध सकते हो, नीचे उसको बांध सकते हो। तो इस हिसाब से पूरा प्रैक्टिकल रहता है। तो यहाँ पे मैंने आपको कंटेनर कैसे स्टफ होता है, कॉटन बेल्स का कंटेनर कैसे स्टफ होता है प्रैक्टिकली मैंने आपको यहाँ पे वीडियो में दिखाया। आप देख सकते हो सामने कंटेनर है और वो स्टफ हो रहा है। तो आप भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हो तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने, देखिए लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपके सामने देखिए सब चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैं खुद एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। इनिशियल लेवल पर यहाँ पे क्या होता है, मेहनत करनी पड़ती है। और आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास राइट गाइडेंस होना चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए, आप अभी गर्मी हो रही है, देखिए और पहले वीडियो में देखो मैंने खुद कंटेनर लोड किया, मैंने खुद सामने रह के लोड किया, तो वहां पे क्या है रात को लोड किया, अभी ये दिन को लोड हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मेहनत करनी पड़ती तब जाके होता है। तो जो मैं सीखता हूँ, आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो तो मैं जो सीखता हूँ वही मैं सिखाता हूँ, जो मेरा नॉलेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो पूरा मैं जो है सिखाता हूँ। तो प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सीखना चाहते हो तो मेरा ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो, और आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे नीचे कॉमेंट कर सकते हो, मैं उसका भी आंसर आपको वीडियो के माध्यम से जरूर से दूंगा। लेट्स गो ग्लोबल Together. Thank you.